स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी में। और आज प्रश्नावली 1.2 जो बचा हुआ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखेंगे, जो कि ये क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है इसको थोड़ा सा समझेंगे। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। उम्मीद करते हैं कि ये समझ में अभी नहीं आया होगा। ध्यान से इधर देखिए, ये क्वेश्चन जो बोल रहा है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या होता क्या है, ठीक है? तो काउंटिंग का जितना भी संख्या होता है ये सब संख्या प्राकृत संख्या होता है, ठीक है? तो कह रहा है कि जो 6n है, ठीक है, 6n और n एक प्राकृत संख्या, जब भरिएगा कोई भी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है 1, 2, 3, 4 और इसके बाद एक्सेट्रा हम आप लिख लीजिएगा, मतलब आगे जो भी संख्या है, तो जो भी यहाँ भरिएगा तो जो आंसर आएगा उस क्या वह जीरो आएगा लास्ट में, यानी वंस प्लेस पर, यानी कि इकाई प्लेस पर जीरो आएगा। एक बार भर के थोड़ा सा देखिए, 6 अगर आप 1 भरते हैं तो आपका 6 आंसर हुआ। अगर इसी प्राकृत संख्या में 6 2 भरते हैं तो 6 × 6 = 36। कुछ भी भरिएगा कभी भी यहाँ जीरो हो ही नहीं सकता है। जीरो कब होता है, ये जो जीरो दिया गया ये होता कब है, देखिए वह संख्या जो 5 और 10 सिर्फ उसी कंडीशन में जीरो होता है, यानी क्योंकि 10 के टेबल में मिलता है आपको 10 और 5 के टेबल में आपको मिलता है 10। लेकिन कभी भी 6 का टेबल पढ़िएगा, मतलब उसका अगर आप पावर भरिएगा तो वंस प्लेस पर हमेशा आपको मिलेगा 6 ही मिलेगा। आप कितना भी टेबल पढ़ लीजिए और कोई भी इसमें से नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या भर लीजिए। तो ये क्वेश्चन कुछ बनाने वाला क्वेश्चन नहीं था, इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना था। इसको जब तोड़िएगा तो इसका फैक्टर 6 को फैक्टर करने के बाद से होगा 2 और 3, यानी कि 6 का फैक्टराइजेशन 2, 3 होता है, जबकि 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, यानी लास्ट में कभी भी जीरो संभव नहीं है। अगर हम जांच यहाँ किए भी हैं तो जीरो कभी संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें सिर्फ लैंग्वेज लिखना है। तब इस क्वेश्चन को जो लैंग्वेज में लिखना है, तो इसको लिखने के लिए ये लैंग्वेज इसका अगर लिखना है, और लैंग्वेज कभी भी एग्जामिनर क्या देखता है, लैंग्वेज देखता है, और वो लैंग्वेज को सजा करके जितना लिखेंगे अच्छा नंबर मिलेगा, और बिहार बोर्ड में अधिकतर लैंग्वेज पर ज़्यादा नंबर मिलता है। तो इसका लैंग्वेज इस तरह है। तो अब इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, और कुछ कुछ टॉपिक कॉमन हर जगह मिलता है, छोटे से लेकर के और बड़े तक। वो मिला क्या है देखिए, व्याख्या कीजिए कि ये टोटल नंबर दिया है, ठीक, 7 × 11 × 13 + 13, और ये भी पूरा दिया है आपका क्वेश्चन। ये जो दोनों नंबर है भाज्य संख्या क्यों है, सबसे पहले भाज्य संख्या होने का टर्म एंड कंडीशन होता क्या है, ऐसी संख्याएं, दो ठो संख्याएं दिमाग में रहेगा तो क्वेश्चन भाज्य और अभाज्य में कभी कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। ऐसी संख्याएं जो अगर उस नंबर को हम कटा रहे हैं तो 2 से ज़्यादा नंबर से कटे, जैसे कि अगर 4 है और 3 है, 4 को कटाइएगा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, जब 3 को कटेगा तो 1 और 1 3, यानी कि एक ये 3 खुद से कट जा रहा है और एक 1 से कट रहा है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जो 2 नंबर से ज़्यादा संख्याओं से कटे, देखिए 4 2 से ज़्यादा नंबर से कटा है तो उसे अभाज्य संख्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे करना है कि ये वाला और ये वाला दोनों को आप यहाँ पे व्याख्या कीजिए, इसके बारे में बताइए कि ये दोनों क्या भाज्य संख्या है, और है तो क्यों है। तो इसको बनाना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, टोटल मल्टीप्लाई करके और 13 जोड़ दीजिएगा, और उसको जब फैक्टर कीजिए यानी तोड़िएगा, गुणनखंड कीजिएगा, तो देख लीजिएगा अगर 2 नंबर से ज़्यादा कटे, ठीक है, तो वो क्या है, भाज्य संख्या है, यार नहीं कटे तो भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर रहे हैं, देखिए 7 × 11 × 13 + 13, ये यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई में है, ये वाला पार्ट अलग है। प्लस और माइनस ही सिर्फ संख्याओं को बांट सकता है, मल्टीप्लाई कभी संख्याओं को नहीं बांटता है। तो यहाँ देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ और यहाँ, यहाँ भी 13 मिल रहा है यानी 13, और यहाँ भी 13 हम लोग ले लेंगे कॉमन। जब हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पे 7 × 11 × 13 तो बाहर निकल गया ना, तो बचेगा 1, और प्लस यहाँ से जब 13 बाहर निकल गया तो 1 बचेगा 13, और ये 11 × 77 + 1 = 78। हमको साबित करना है नहीं, लाना है भाज्य संख्या है, तो वाकई में भाज्य संख्या है तो कैसे है। तो जब 13 थोड़ा सा इसको तोड़िए, तो जब इसको तोड़िएगा इनटू के पास ब्रैकेट रहता है, तो यहाँ पे ये होगा 63 × 78। एक मेरे को बात बताइए, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, और उस नंबर
को क्या करना है, साबित करना है भाज्य है कि नहीं। तो भाज्य होने का टर्म एंड कंडीशन क्या है कि दो गो से ज़्यादा नंबर से कटेगा, यही ना भाज्य होने का कंडीशन है। तो एक बात बताइए, यहाँ देखिए किस किस नंबर से कट रहे हैं, आखिरकार इसको किसी भी तरह हम सॉल्व किए, अपने हिसाब से ही सॉल्व किए। तो सबसे पहले एक 13 से कटेगा, एक 6 से भी कटेगा, और क्या जब 13 और 6 से कटेगा तो 1 से नहीं कटेगा, 1 से भी कटेगा, यानी कि इस नंबर का यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि भाज्य होने के लिए 2 से ज़्यादा अंक से गुणनखंड, फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, खंड गुणनखंड होता है। और यहाँ पे देखिए इसका गुणनखंड, यहाँ देखिए एक तो हो जाएगा, वो एक इसलिए हो जाएगा कि दुनिया की सारी संख्याएं एक से कट जाती हैं, मतलब समझिए तो एक सब में कमन है, बिन बुलाए मेहमान है, ठीक है, सबके बारात में उपस्थित रहेगा, ठीक है, तो एक तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है, इसका गुणनखंड एक, 13 है ही, 6 है ही। बताइए भाज्य होने का टर्म एंड कंडीशन है कि 2 से ज़्यादा नंबर से कटे, तो देखिए 2 नंबर से ज़्यादा से कटा नहीं, वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ देखिए लैंग्वेज वैसे ही लिखाएगा, ठीक है, यहाँ देखिए यहीं पे कुछ कॉमन मिल रहा है, देखिएगा यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। अभी बताए हैं कि देखिए जोड़ और घटाव ही सिर्फ नंबर को बांट सकता है, यानी कि टर्म को बांटता है, टर्म पता करता है। देखिए घर में बांटने का काम जिस तरह औरतों का होता है, वैसे ही सेम कंडीशन नंबर को बांटने का काम सिर्फ प्लस और माइनस करता है, दूसरा कोई नहीं करता है, ठीक है। यहाँ प्लस यानी 5 मिल रहा है, जब 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ बचेगा का 7 × 6 × 5 निकल चुका है, 4 × 3 × 2, ठीक है, और यहाँ ये बचेगा 1, ये निकल गया तो 1 5 × जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें आएगा 1008, ठीक है, और प्लस 1। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी यहाँ पे हमको क्या लाना है कि भाज्य है कि नहीं, इसको भी पूछ रहा है कि भाज्य है कि नहीं, ये तो भाज्य है भाई, ये है कि नहीं, तो एक बात तो 5 × 1008 और 1009, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 1009। एक मेरे को बात बताइए, फिर साबित एक और चीज़ यहाँ हो गया, इस नंबर को अपने हिसाब से सॉल्व किए, जब अपने हिसाब से सॉल्व किए तो ये एक मिला 1009 1005, यहाँ डायरेक्ट साबित हो जा रहा है कि 1009 भी 9 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, आ एक महानुभाव तो इसमें हमेशा रहेंगे एक, यानी कि ये नंबर 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है, 1009 से भी, मतलब क्या होगा, 9 से भाज्य है, इसको कटाइएगा तो ये भी भाग लग जाएगा, यानी भाजक मतलब भाज्य भाग लग जाएगा, ठीक है। इस नंबर में अभी बताएं कि भाज्य होने का कंडीशन 2 से ज़्यादा, तो ये भी हो जाएगा, इसका भी लैंग्वेज ऐसे लिख सकते हैं। ये बहुत क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। और अब देखते हैं एक लास्ट क्वेश्चन इसी प्रश्नावली 1.1 का 7 नंबर, ये तो और ही मज़ेदार है और ये हम बातों में समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये अगर आप मेंटली सोचें तो सोच के ही आंसर बता सकते हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक, और एक लड़की है, कुछ देर के लिए समझ लीजिए, एक लड़की जो मतलब एक पार्क को चक्कर लगाती है, ठीक है, और एक लड़का भी लगा रहा है, तो बता सकते हैं फास्ट कौन लगाएगा, जाहिर सी बात है कि लड़का लगाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो लड़की है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट समय लेती है, और जो लड़का है वो 12 ही मिनट में मार देता है एक चक्कर। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा कि एक ही समय पर और एक ही जगह से वो लोग चक्कर लगाना स्टार्ट किए हैं, तो फिर कितने समय बाद वो उस स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक ये बना दे रहे हैं, ठीक, ये आपका पार्क हो गया, जो ये सोनिया है जो लड़की, ये 18 मिनट लेगी, तो एक चक्कर मारेगी तो 18 मिनट, दो चक्कर मारेगी तो 36 मिनट, तीन चक्कर मारेगी तो 18 × 54 मिनट, ऐसे इतना तो होगा। लेकिन एक रवि है जो एक चक्कर मार रहा है तो 12 मिनट, ठीक है, तो जब ये रवि मारेगा तो एक चक्कर मारेगा तो 12 मिनट, दो चक्कर मारेगा तो 24 मिनट,
तीन चक्कर मारेगा तो 26 मिनट। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिर बताइए मेरे को एक चीज़ कि वह कब फिर उसी स्थान पर मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक चक्कर इनका 18 मिनट लगा, आई दूसरा चक्कर जब तक पूरा करेंगी तो 36 मिनट लग चुका होगा, जबकि 36 ये तीसरा चक्कर मार देगा, ये एक चक्कर मारेगा 12, दूसरा 24, तीसरा पूरा करेगा तो 36 मिनट में ये तीसरा चक्कर, यानी कि 36 मिनट बाद इन लोगों का मुलाकात फिर से एक बार उसी स्थान पर होगा। तो क्वेश्चन तो यही कर रहा है, इसका आंसर हो गया 36 होगा, यहाँ पे तो कुछ करना है नहीं। तो यहाँ हम किए क्या हैं, जो कॉमन मिला है उसे हम लोग ले लिए, आगे और होगा, ऐसा थोड़ी है कि दो तीन चक्कर मारा, बहुत सारा चक्कर मारेगा, लेकिन हम लोग सबसे पहले दोनों में मिल किया गया है, यानी सबसे पहली बार वो एक जगह पर कब मिले हैं, ये क्वेश्चन है। इसका मतलब कि वो LCM है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी ये तो मल्टीपल हुआ 18 का पहाड़ा, मल्टीपल का मतलब होता है पहाड़ा पहाड़ा, और ये 12 का पहाड़ा, दोनों में पहले मिला क्या 36। तो आप लिख सकते हैं, अगर लैंग्वेज में सूटेबल लिखना है तो लिख दीजिएगा 18 और 12 का LCM, 18 का कीजिएगा तो आप निकाल के देख सकते हैं, या फिर 18 का गुणा कर रहे हैं आप उसका मल्टीपल ये लिखिएगा तो 18 36 18 54 आप कर सकते हैं, 18 के 18 18 दुना 36 18 तीन 54, आप 12 का मल्टीपल लिखना है तो 12 के 12 12 दुना 24 12 तीन 36। आप पूछा है कि दोनों कब मिलेंगे, तो 36 मिनट के बाद इन दोनों का मुलाकात चाहे मुकालात जो समझिए एक ही स्थान पर होगा, और ये एक दूसरे से मिल जाएंगे 36 मिनट। तो इसका आंसर हो गया वही, बस 36 मिनट हो गया बस आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और समझ में भी आया होगा। तो अब मिलेंगे अगले प्रश्नावली को लेकर के, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम में नंबर भी आपको अच्छा दिलाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।